हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं एक और स्नेक्रेस के ऑपरेशन के लिए अहमदनगर में नागर देवले गांव। यहां मेरे साथ आज अतुल पाखरे, नवाज शेख, लतिकेश साड़वे और महेश पाखरे। तो दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। यहां हम पहुंचे सुनील धड़के इनके घर के पास। एक कुआ है, कुएं में एक स्नेक गिरा हुआ दिखाई दिया था उनको, तो उन्होंने हमें कॉल किया था दोस्तों यहाँ पर पहुंचे उसको रेस्क्यू करने के लिए। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए कैमरामैन अतुल पाखरे के साथ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक रसल वाइपर स्नेक यानी घुनस सांप दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में इस सांप को घुनस कहते हैं, इंग्लिश में इसे रसल वाइपर स्नेक कहा जाता है। दोस्तों ये जहरीले सांप होते हैं। इस रसल वाइपर स्नेक में हीमोटॉक्सिक नाम का जहर होता है दोस्तों, और इसकी पहचान के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ दोस्तों। ऊपर से हल्का सा पीला दिखाई देता है, हल्का सा चॉकलेटी दिखाई देता है, और गर्दन से लेकर पूंछ तक झालर की तरह गोलाकार काले धब्बे दिखाई देते हैं, काले चॉकलेटी हल्के से पीले कलर में, और उसको उस पर व्हाइट कलर में बॉर्डर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको रेस्क्यू करेंगे, फिर इसको जंगल में आज़ाद करेंगे। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो दोस्तों अहमदनगर में मेरा ही गांव है नागर देवले, वहाँ पर एक धाड़गे बस्ती है। सुनील धाड़गे जी इनके घर के पास उनका कुआं है, वहाँ पर हमने एक स्नेक अभी अभी रेस्क्यू किया था।
तुरंत हम इसके एक घंटे बाद इसको फॉरेस्ट में जंगल में इसका आजाद करने के लिए आए। देखिए रसल वाइपर स्नेक, मैंने हर एक वीडियो में बताया कि ये काफ़ी जहरीला रसल वाइपर स्नेक, हीमोटॉक्सिक इसमें जहर होता है। देखिए इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल अजगर की तरह दिखता है, अजगर की मिमिक्री करता है। कुछ लोग इसको अजगर समझकर पकड़ने की कोशिश कर चुके हैं, क्या इसको अजगर समझकर पकड़ने की कोशिश कर चुके हैं और मारे गए हैं। तो दोस्तों आप सबसे मेरी विनती है कि इस सांप को पकड़ने की कोशिश ना करें। ये बहुत ही जहरीला सांप होता है, गर्दन से लेकर पूंछ तक आप देख सकते हैं काले चॉकलेटी कलर में धब्बे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको आज़ाद कर दिया है, रिलीज कर दिया है। अगर आप इसी तरह स्नेक रेस्क्यू वीडियोस रोज रोज देखना चाहते हो, सांपों के बारे में जानकारी जानना चाहते हो, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।